चार दिन की सौतन। राज अपनी माँ के साथ रहता था। जब उसके पिता का देहांत हुआ तो वो बहुत छोटा था। राज की माँ यशोदा ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला और उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया। वो एक कंपनी में मैनेजर था। माँ बेटी की बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन यशोदा ने कहा, राज अब मुझसे घर नहीं संभाला जाता, सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर तेरी नज़र में कोई लड़की है तो बता दे मुझे। माँ मेरी नज़र में कोई नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा करो, फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। राज की माँ ने उसकी शादी मेनका से कर दी, पर मेनका घर का काम करना तो दूर, दोनों को बहुत परेशान करती है और घर में सबसे लड़ती रहती है। एक दिन यशोदा अपनी बहू को आवाज लगाती है, मेनका, ओ बेटी मेनका, उठ जा बेटा, सुबह हो गई, राज को ऑफिस जाने में देर हो रही है, नाश्ता बना दे। मेनका नींद में बुदबुदाते हुए कहती है, ये बुढ़िया रोज सुबह उठाने के लिए आ जाती है, खुद तो पूरी रात सोती नहीं और मेरी नींद खराब कर देती है। फिर मेनका जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आती हूँ, एक दिन लेट हो जाएंगे तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। यशोदा अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो जाती है और उसके कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठ जाती है। मेनका कमरे से बाहर आती है और अपनी सास को बैठा देख मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद राज भी तैयार होकर बाहर आता है। मेनका मैडम, खाना तैयार हुआ या फिर आज भी भूखा ही भेजोगी? मेनका रसोई से आवाज लगाते हुए कहती है, ला रही हूँ, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई मशीन हूँ, देख रहे हो ना, खाना ही बना रही हूँ, कबड्डी तो नहीं खेल रही। राज बैठकर अपनी माँ से बातें करने लगता है। माँ आपका चश्मा टूट गया था ना, बनवाया या नहीं? बन तो गया है, पर मेरे घुटनों में दर्द के कारण मैं लेने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं शाम को आते समय लेता आऊँगा। दोनों माँ बेटे की बातें मेनका बहुत गौर से सुन रही थी। वो नाश्ता लेकर आती है। क्या बात है मेनका, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेनका मुस्कुराते हुए कहती है, आज आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अच्छा सुनो जी, मुझे ना एक काम था आपसे। हाँ बोलो बोलो, आपका हुक्म सर आँखों पर। शाम को काम से घर आती ही मेरे लिए मेकअप किट ले आना। अरे तुम खुद ही ले आओ ना, मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। वो दुकान बहुत दूर है, मैं थक जाती हूँ और आज तो मैं घर से कहीं बाहर नहीं जा सकती। मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी तो आज किसी भी वक्त होम डिलीवरी के लिए आ सकते हैं। अरे तो परसों ले आओ, जरूरी है कि आज ही लेने जाओ। इतना सुनकर मेनका चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, बस अपनी माँ के लिए चश्मा लाने के लिए टाइम है। तुम दोनों ने मुझे पागल बना रखा है, दिन भर नौकरों की तरह काम करो और फिर इनके नखरे सहो। अब इसमें माँ कहाँ से आ गई, ज्यादा मुंह मत चलाओ। चश्मे की दुकान रास्ते में ही है और मेकअप के सामान की दुकान मेरे ऑफिस से बहुत दूर है। तुम्हें तो रोज किसी ना किसी बात पर झगड़ा ही करना होता है। अच्छा तो मैं झगड़ा करती हूँ, मैंने अपना मेकअप का सामान क्या मंगवा लिया तो मैं झगड़ा कर रही हूँ। ज़्यादा बोलोगे ना तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी। दोनों में बहुत कहा सुनी होती है और राज गुस्से में अपने ऑफिस चला जाता है। दफ्तर पहुँच कर राज मन ही मन सोचता है, मुझे मेनका को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, उसे प्यार से समझाता तो शायद वो समझ जाती। अब क्या करूँ, अब वो रूठी बैठी होगी। एक काम करता हूँ, शाम को मैं उसकी मेकअप किट ले जाऊँगा तो वो खुश हो जाएगी। शाम को राज दौड़ा दौड़ा मेकअप की दुकान पर पहुँचता है, पर दुकान बंद हो चुकी होती है और दुकान दूर होने की वजह से रात भी काफ़ी हो गई थी। राज अकेला सुनसान सड़क पर सोचता है, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, न माँ का चश्मा ला पाया और ना ही मेनका की मेकअप किट और ना ही ऑफिस में मन लगा कर काम कर पाया। ये शादी के बाद लाइफ इतनी कठिन क्यों हो जाती है। इतना कहकर राज जब घर पहुंचता है, मेनका गुस्से से पूछती है, कहाँ रह गए थे, इतनी रात हो गई है, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो रात भर आपके लिए जागती रहूंगी, कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देता, और सुबह सुबह आपकी माँ कोयल बनकर मेरे कान में कूकने लगती है। मैं तुम्हारी मेकअप किट लेने गया था, पर जब तक मैं वहां पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी। मेरी मेकअप किट का बहाना तो मत बनाओ, जरूर किसी औरत से मिलने गए होंगे, वैसे भी कई सारी लड़कियों के कॉल आते रहते हैं आपको। यार हद, वो कॉल मेरे ऑफिस के स्टाफ के होते हैं, तुम हर बार मुझ पर शक क्यों करती हो? तुम्हारे चक्कर में मैं माँ का चश्मा भी नहीं ला पाया।
अब इसमें भी मेरा ही कसूर है। ऑफिस से जल्दी निकलते तो ले आते अपनी माँ का चश्मा। अब मेनका रोज किसी ना किसी बात पर राज और यशोदा से लड़ती है। वो घर का कोई काम नहीं करती थी लेकिन पैसा पानी की तरह बहाती थी। उसकी इस आदत की वजह से घर का बजट बिगड़ जाता था। महीने के अंत में तो राज को उधार पैसे लेने पड़ते थे। धीरे धीरे उसकी सारी सेविंग भी खत्म हो गई। राज ने सोचा, अब पानी सर से ऊपर हो गया है, अब मेनका को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन राज घर आता है। उसके साथ एक लड़की होती है और दोनों के गले में फूलों की माला भी होती है। ये देखकर उसकी माँ पूछती है, अरे बेटा ये सब क्या है और कौन है ये लड़की? माँ ये आपकी नई बहू है सीता। बेटा ये तूने क्या कर दिया, पागल हो गया है क्या? एक पत्नी को संभाल नहीं पा रहा, दूसरी कहाँ से ले आया? मैंने तुझसे तेरी शादी से पहले पूछा था कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, तब तो तूने कुछ बताया नहीं। नहीं माँ, मैं अब होश में आया हूँ। मुझे कुछ ही दिन पहले सीता से प्यार हुआ है। मैं और सीता एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब मानो या मत मानो लेकिन ये तुम्हारी बहू है। इतने में मेनका दोनों की आवाजें सुनकर कमरे से बाहर आती है और राज को देखकर हैरान हो जाती है। कौन है ये राज, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मेनका के सवाल का जवाब सीता देती है। मैं राज की पत्नी हूँ और यशोदा माँ की बहू। मेरी कोई बहू नहीं है, मेरी तो सिर्फ एक ही बहू है और वो मेनका है। जल्दी से तुम यहाँ से निकलो और अपना मुंह मत दिखाना कभी भी। माँ ये आप क्या कह रही हो, मेनका तो हमेशा आपसे लड़ती है, फिर भी आप मेनका की तरफ बोल रही हो। ये जैसी भी है पर यही मेरी बहू है। मैं इसे दुल्हन बनाकर इस घर में लाई थी। मेरे बाद मेनका ही इस घर को संभालेगी। मेनका यशोदा की बात सुनकर बहुत पछताती है। वो सोचती है, मैंने माँ जी को कितना परेशान किया पर अभी भी वो मुझसे प्यार करती हैं। इतने में राज मेनका से कहता है, सीता यहीं रहेगी, तुम्हें सीता के साथ रहना है तो रहो वरना तुम जा सकती हो। अगर तुम मुझे इतना परेशान ना करती तो मैं कभी ये कदम नहीं उठाता, पर अब कुछ नहीं हो सकता। झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होते हैं, पर आप तो मेरी सौतनी ले आए, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। राज पर मेनका के आंसुओं का कोई असर नहीं होता। अब सीता उनके घर में ही रहने लगी। सीता सुबह जल्दी उठकर राज के लिए नाश्ता बनाती, उसे ऑफिस के लिए तैयार करती। सीता ने 2-4 दिन में ही सारा घर संभाल लिया। वो फालतू के खर्च भी नहीं करती थी। गुस्से में आकर यशोदा और मेनका उसे खरी खोटी सुनाते रहते, लेकिन वो उन दोनों की सारी बातें शांति से सुन लेती थी। झगड़ा करना तो मानो उसे आता ही नहीं था। देख बहू, उस सीता ने 2-4 दिन में सारा घर संभाल लिया। बचत करने में भी कितनी माहिर है ये लड़की। मैं तुझे कितना समझाती थी लेकिन तू उल्टा मुझसे ही लड़ती थी। हाँ माँ, मुझे अब एहसास हो गया है मैंने कितनी बड़ी गलती की है और इस सब का कारण मैं ही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भगवान आप जैसी सास सबको दे पर मेरी जैसी बहू किसी को ना दे। इतना कहकर मेनका भागकर रसोई से मिट्टी का तेल लाकर अपने ऊपर डालती है और जैसे ही मेनका माचिस लेती है तो राज उसे पकड़ लेता है। इतने में यशोदा सीता को मारने के लिए दौड़ती है। ये सब तेरे ही कारण हो रहा है, अगर मेरी बहू नहीं रहेगी तो तू भी जिंदा नहीं रहेगी। माँ माँ रुक जाओ माँ, मैंने कोई शादी वादी नहीं की, ये सब तो ड्रामा था मेनका को सबक सिखाने के लिए। जी आंटी जी, मैं तो राज की कॉलेज की दोस्त हूँ और राज ने ही मुझे कहा था ये ड्रामा करने के लिए। माँ मैं मेनका के रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया था और इस वजह से मेरा काम में दिल भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो ये बात मुझे पहले भी तो बता सकता था। मैं बेचारी सीता को इतना बुरा भला कहती रही, मुझे माफ़ कर दे बेटा। आंटी जी आप माफ़ी मत मांगिए, बस अपनी बहू को समझा दीजिए। अगर उसने घर को ठीक से नहीं संभाला, खर्चे ज़्यादा किए और आप दोनों में से किसी के साथ झगड़ा किया तो मैं राज से सचमुच शादी कर लूँगी और मेनका की 4 दिन की सौतन बनने की जगह हमेशा के लिए उसकी सौतन बन जाऊँगी। सीता की बात सुनकर सभी हंसने लगे। अब मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी और फालतू खर्च भी नहीं करूंगी। आप दोनों मुझे माफ कर दो और सीता आप भी मुझे माफ कर दो।